अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस और आप देख रहे हैं हमारा फार्मा गार्डन चैनल। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इस धनिया के ऊपर है और आज हम इस धनिया को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा धनिया का प्लांट है और ये हमने यहीं से निकाला है इसको। तो इसकी ग्रोथ जो है, लगाने का तरीका, किस तरह इसको उगाया जाता है, इसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। आप मेरे चैनल को, फार्मर गार्डन को विज़िट कीजिए तो इजीली आपको वीडियो मिलेगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो इसको लगाने का जो दो सीज़न होते हैं, एक समर सीज़न होता है, एक होता है विंटर सीज़न, यानी गर्मियों के लिए। अभी हम फरवरी में लगा देंगे और जो सर्दियों का होता है वो हम नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं। तो ये हम इस बार इसको जो है वो हम जड़ से ही निकाल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमारा प्लांट है एक, तो इसको हमने रीग्रोथ करवाना है, तो इसको फर्टिलाइज़र भी डालना है और गुडाई भी करनी है नीचे से। तो इसलिए अभी हम इसको जड़ से निकालेंगे। तो जड़ से आप, ज़रूरी नहीं है कि आप जड़ से ही निकालें, आप जब हार्वेस्ट करें तो आप इसको वैसे भी, यानी कि ऊपर से तोड़ लें तो आप नेक्स्ट जो है वो धनिया आपका फिर तैयार हो जाएगा। जितना आप हार्वेस्ट करेंगे उतने आपका दोबारा से धनिया हार्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम तो इसको जड़ से ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए अभी हम प्लांट की केयर के लिए हम ये सब स्टेप ले रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप अलग-अलग किसी पॉट में लगा सकते हैं। तो बात करने का मकसद है कि धनिया जो है वो आप बहुत ही इजीली किसी भी जगह पे आप थोड़ी सी स्पेस में लगा सकते हैं। तो ये देखें धनिया कितनी इसकी लेंथ है और बिल्कुल फ्रेश धनिया आप जो है अपने गार्डन में उगा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेस पे। आप जितना आपको चाहिए उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो हमारा ये यहाँ से इतना निकला है, ये देखें इसकी रूट्स। तो नेक्स्ट हम इस बनाना के प्लांट से भी हम निकालेंगे, इसको भी रीग्रोथ की ज़रूरत है, तो हम इसको भी निकाल लेंगे यहाँ से। रूट्स देखें आप, रूट्स इसकी चेक करें कितनी डेवलप हुई हैं और कितना शानदार इसका रिज़ल्ट है। तो इस तरह धीरे धीरे से हम सब निकाल लेंगे। धनिया बहुत ही इजीली टू ग्रो प्लांट है, ये पौधा है, सब्ज़ी है, जो भी आप कह लें, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको घर पे लगा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है इसको लगाना। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको गार्डनिंग का शौक़ भी पैदा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर में लगानी चाहिए ताकि ऑर्गेनिक जो चीज़ है उसका मज़ा कुछ और ही होता है। बाज़ार से जो हम लेके आते हैं वो और चीज़ होती है, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये देखें जी कितना बड़ा माशाल्लाह हमारा धनिया जो है वो हार्वेस्ट हो गया है। ये भी हमारा धनिया है जो हमने दूसरे पॉट्स में लगाया था, वहाँ से भी हार्वेस्ट किया है और यहाँ से भी। तो ये देख लें आप,